पंजाब में जीत के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक्टिव हो रही है। आपको बता दें, पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्य हरियाणा में पूरी ताकत से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हालांकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन पार्टी ने पहले ही राज्य भर में अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए हैं। होने वाले चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी सिलसिले में आज फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता मौजूद रहे। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा प्रदेश साउथ जोन कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कई जिलों में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस भव्य कार्यक्रम में आप हरियाणा प्रभारी व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने शिरकत की। सुशील गुप्ता के अनुसार अब देश की जनता बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन सरकार से विश्वास खत्म हो चुका है। अब देश की जनता सर आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है। संदेश है कि हरियाणा की जनता अब बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के सरकार से विश्वास खो चुकी है। हरियाणा बदलाव चाहता है, हरियाणा समय पे चुनाव चाहता है। पंचायत के चुनाव एक साल से टाल रहे हैं, छह महीने से नगर पालिका के चुनाव टाल रहे हैं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब कर रखा है। आज ये देख रहा आप, सैकड़ों की संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है। लोग बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव के लिए हम यहाँ पे आए। अटल सिंह की ब्लॉक समिति सदस्य बाबा, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी में हर चेहरा बड़ा है। नरेश कुमार, एक मोबाइल रिपेयर मैकेनिक मुख्यमंत्री को हराता है, एक ढाबे वाला मेयर को हराता है, तो हर चेहरा बड़ा है। हर चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा है। पैंतालीस नहीं, 45 × 10 450 उम्मीदवार तैयार हैं, उसमें से 45 लड़ेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज का कार्यक्रम रहा? आपको जो है इसकी ड्यूटी लगाई गई थी, क्या कुछ कार्यक्रम? बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हमारे भाई सौरभ भारद्वाजी, सभी लोग आए। देखा आपने, सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बहुत खुशी मना रहे हैं। और हमारा ये सफल और कार्यक्रम रहा है और इसे आम आदमी पार्टी में अच्छा मैसेज गया है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे नगर निगम में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। लोगों को ज्वाइनिंग कराई गई है, आज हजारों हजारों लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप गिन सकते हो। अभी तो बिल्कुल नदी की तरफ बहते जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी में आते जा रहे हैं। चुनावों को किस तरह से बदलेगी इस तस्वीर से? आज से आज की ये जो तस्वीर है, ये बिल्कुल सोच लो, हमारे फरीदाबाद की तकदीर है। आम आदमी पार्टी आती है तो फरीदाबाद की तकदीर बदल जाएगी। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आम जनता को फरीदाबाद में, जो लोग और भी लाइन में लगे हुए हैं? फरीदाबाद की जनता जाग जाए, पुरानी पार्टियों को छोड़ दे, आम आदमी पार्टी में विश्वास करे, हमें मौका दे नगर निगम में आके, और पूरी यहाँ पे सेवा करेंगे और फरीदाबाद को भारत के मानचित्र पे लाएंगे।